फ्रंटियर सिनेमा पे HBO की सारी ओरिजिनल कंटेंट अवेलेबल है। और खुशी की बात है भाई, HBO की तरफ से दुनिया की बेस्ट कंटेंट को जियो सिनेमा हिंदी डब कर हमारे सामने ला रहा है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही दुनिया की बेहतरीन सीरीज जो हिंदी डब में अवेलेबल है, तो लिस्ट की एक भी सीरीज को मिस ना करिएगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नंबर 7 की सीरीज, अगर आपको मेडिकल ड्रामा टाइप सीरीज देखना पसंद है तो एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। 2022 की मेडिकल ड्रामा के साथ स्काई मेड। स्टोरी फोकस कुछ मेडिकल टीम पे फ्लाइंग एयर एम्बुलेंस पे बेस्ड है। 2000 फीट ऊपर लोगों को रेस्क्यू कर मेडिकल ट्रीटमेंट देना है। इसी टॉपिक को लेकर ना भाई इनके क्रिएटर ने एक इंटरेस्टिंग वे में डेवलप करने की कोशिश की है। हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम, उनकी पर्सनल लाइफ एक टीम की तरह कैसे लोगों को हेल्प करते हैं, ये सब हमारे सामने ड्रामेटिक वे में रखने की कोशिश की है। सीरीज एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में कम से कम आपको सेल्फ ट्रीटमेंट की कई सारी बातें सिखा जाएंगी। 2000 फीट ऊपर जिंदगी और मौत के बीच ट्रीटमेंट देना कोई आम बात नहीं। जरूर देखिए, प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज की कॉन्सेप्ट थोड़ी अजीब सा जरूर है पर इंटरेस्टिंग है, और क्यों ना है भाई, अगर सीरीज में ब्यूटीफुल बैड एस एक्शन हो तो, वो भी मॉन्स्टर और डीमन वाली फाइट हो और फुल स्वैग में हो तो। 2016 से टोटल 4 सीजन एक्शन फैंटेसी ड्रामा के साथ वायोना अर्प। स्टोरी भाई हमारे लीड एक्ट्रेस पे फोकस्ड है, जिनके पास उनके पूर्वजों से मिली कुछ खूबियां और एक मिस्टीरियस गन है, जिन्हें एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर इंसानों जैसे दिखने वाले एक से बढ़कर एक खतरनाक डीमंस को ढूंढ कर मारना है। सीरीज में आपको यही देखना है कि कैसे वायोना डीमंस को ढूंढ कर नर्क पहुंचाती है। इसी बीच भाई इनकी स्वैग, उनकी खतरनाक बैडएस आपको देखने को मिलेंगी, जो आपको काफी पसंद आएंगी। अगर इस तरह की फैंटेसी एक्शन टाइप सीरीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली देखिए, आपको 100% इंटरटेन करेगी। सीरीज MX प्लेयर पे हिंदी डबिंग के साथ फ्री में अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज गेम ऑफ थ्रोन के बाद क्या देखनी चाहिए भाई, इसकी प्रीक्वल देखनी चाहिए। अब तो ये ऑफिशियल हिंदी डबिंग के साथ भी अवेलेबल है। जी हम बात करें जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ जियो सिनेमा पे रिलीज किया गया एक्शन एडवेंचर ड्रामा 8.5 IMDb रेटिंग के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन। इनकी कॉन्सेप्ट, इनकी स्टोरी, इनके सिनेमेटोग्राफी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए इनकी स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन से 200 साल पहले सेट है और जियो सिनेमा पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 की सीरीज यार खतरनाक भाई, अगर आपको ब्रूटल भर भर कर खून खराबा देखना पसंद नहीं है तो ये सीरीज आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है। दूर ही रहिएगा क्योंकि भाई द बॉयज की दुनिया की सीरीज है तो खतरनाक तो होगा, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे रिलीज किया गया एक्शन एडवेंचर कॉमेडी के साथ जेनवी। स्टोरी भाई द बॉयज की दुनिया पे सेट है एक ऐसी स्कूल जहां अलग अलग सुपर हीरो मेटा ह्यूमन को अपनी पावर कंट्रोल करना सिखाया जाता है ताकि वो फ्यूचर में सुपर हीरो बन सके। पर भाई इस कॉलेज में छिपे हैं कुछ गहरे और डार्क सीक्रेट। जब धीरे धीरे कर इन सुपर हीरो को पता चलता है उसके बाद इन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, यही सीरीज आपको दिखलाती है। सीरीज में भाई ऐसे ऐसे कई ब्रूटल और खतरनाक सीन है कि आपको पूरी तरह से शॉक कर सकती है। अगर आपको द बॉयज सीरीज पसंद आई होगी तो डेफिनेटली ये सीरीज भी आपको पसंद आएंगी, हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज की कॉन्सेप्ट यार गजब का काफी फ्यूचरिस्टिक है। क्या हो आप मरने से पहले AI की दुनिया में अपलोड हो जाओ, क्या हो भाई इंसान का अस्तित्व हमेशा के लिए अमर हो जाए। नंबर 4 की ये सीरीज हमें फ्यूचरिस्टिक वे में दिखलाने की कोशिश करती है। 2020 की टोटल 3 सीजन साइफाई कॉमेडी मिस्ट्री के साथ अपलोड। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां मरने के बाद भी जिंदगी चुन सकते हैं। AI की दुनिया में जहां एक्सीडेंट की वजह से हमारे हीरो मरने वाले हैं, वो अपलोड की दुनिया को चुनते हैं। क्या सच में वो मरने वाले थे या फिर कोई प्लान था जिसके पीछे छिपी है भाई कुछ बड़ी बात, वो तो आप सीरीज में देखो। सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट लगी भाई इसके फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, और दूसरी बात हमारे लीड हीरो और उनके एंजल के साथ केमिस्ट्री भाई कमाल की है, आपको सीधा कनेक्ट करेगी। उस अपलोड की दुनिया में आप बेबस, लाचार, अकेलापन, वो अपनों की रवैया आपको फील कराएगी। केवल एक एपिसोड को छोड़कर 20 से 25 मिनट की हर एक एपिसोड कब निकल जाएंगी आपको ही पता ना चलेगा। सीरीज को डेफिनेटली देखिए, हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज यार 1986 में मानव इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर की स्टोरी। 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की फटने से भाई इतनी भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव डस्ट निकला था कि आप अंदाजा लगा लो जापान के हिरोशिमा एक्सीडेंट से 300 गुना से भी अधिक थी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर कितनी तबाही मची होगी। 2019 की मिनी सीरीज हिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर 9.3 IMDb रेटिंग के साथ चेर्नोबिल।
आसपास भी चेरनोबिल की आसपास की कुछ शहर रेडियो एक्टिव है, वो मंजर कितनी दहशत भरी होगी। अब जियो सिनेमा पे हिंदी डबिंग के साथ देखिए। नंबर 3 की सीरीज ने यार एक बार फिर से हमारी दिल जीत लिया। थॉर रैग्नारोक में भाई लोकी की कैरेक्टर ने हमें यकीन दिलाया था कि लोकी विलन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके अंदर भी इंसानियत है, ये लोकी सीरीज हमें साबित करती है। जिसके सेकेंड सीजन हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया गया एक्शन एडवेंचर फैंटेसी के साथ लोकी। स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती जहां से सीजन 1 की खत्म हुई थी, जहां टीवीएफ खतरे में है। जहां एक तरफ टीवीएफ है तो दूसरी तरफ उनका प्यार, और इससे कॉम्प्लिकेटेड है वो टाइम ट्रेवल वाला मिस्ट्री। क्या लोकी फिर से टीवीएफ को बचा पाएगा या नहीं? क्या लोकी फिर से टाइम ट्रेवल लूप को बचाकर वो विलन वाला हीरो बन सकेगा या नहीं, वो तो भाई आप सीरीज में देखो। और नो डाउट भाई, अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह से समझ गए तो ये लोकी की कैरेक्टर एक बार फिर से आपका दिल जीत लेगी। जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज, भाई आज तक आपने जितनी भी सीरियल किलिंग डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टाइप सीरीज देखी होगी, ये नंबर 2 की सीरीज जैसा ना देखी होगी। ये सीरीज भाई सबसे टॉप पे आएंगी, जिसे हाल ही में जियो सिनेमा की तरफ से हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया। टोटल 4 सीजन क्राइम ड्रामा मिस्ट्री 8.9 IMDb रेटिंग के साथ ट्रू डिटेक्टिव। हर एक सीजन में भाई अलग अलग स्टोरी, अलग अलग कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिससे हर एक सीजन आपस में कनेक्टेड नहीं। आप इसके कोई भी सीजन उठाकर देख सकते हो, 100% शॉक एंड सरप्राइज करेगी। सीजन 1 में भाई एक सीरियल किलर इतने खतरनाक और अजीब तरीके से मर्डर करता है कि आप भी पूरी तरह से सरप्राइज हो जाओगे। और आज तक आपने इस लेवल की हैवानियत से भरी मर्डर मिस्ट्री ना देखी होगी, जिन्हें 2 डिटेक्टिव को मिलकर उस हैवान किलर का पता लगाना है, वो कैसे आप सीरीज में देखो। स्टार्टिंग में 2 एपिसोड भाई आप पेशेंस जरूर, उसके बाद आप चिपक सा जाओगे। सीजन 2 की स्टोरी थोड़ी सी सीजन 1 के मुकाबले फीकी लगी, पर इसके सीजन 3 आपको वो फिर से किक देगी। जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज, भाई अगर दुनिया की बेस्ट सीरीज को चुनकर अगर एक म्यूजियम में रखा जाए तो ना भाई, ये सीरीज अपनी एक अलग ही जगह बनाकर रखेगी, क्योंकि भाई ये पावर की लड़ाई है, सक्सेशन की लड़ाई है। जी हां भाई, हम बात करें HBO की तरफ से टोटल 4 सीजन कॉमेडी ड्रामा सीधा 8.9 IMDb रेटिंग के साथ सक्सेशन। स्टोरी भाई एक अमीर फैमिली की है, उनके पिताजी के बाद उनके कंपनी का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, पावर पैसा और रुतबा की लड़ाई, आखिर इस कंपनी के असली वारिस कौन होगा, जिसे जानने के लिए भाई देखनी पड़ेगी ये सीरीज। और मेरा यकीन मानिए भाई, ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा सीरीज में से एक, और जियो सिनेमा पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 1 की सीरीज क्या बताया यार, ऐसी सीरीज को थोड़ी पेशेंस रख कर देख गए तो यकीन मानिए ये सीरीज आपकी फेवरेट लिस्ट में टॉप पे रहेगी। तो ऐसी मास्टरपीस को अभी तक नहीं देखे हैं तो मिस ना करिएगा। 2011 से एक या दो नहीं टोटल 8 सीजन का कलेक्शन एक्शन एडवेंचर ड्रामा सेकेंड हाईएस्ट IMDb रेटिंग सीधा 9.2 के साथ गेम ऑफ थ्रोन। मास्टरपीस सीरीज को भाई केवल 30 सेकंड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे कर ये सीरीज आपके मध्य इस लेवल पे चढ़ेगी कि यकीन मानो इसके अलावा कोई और सीरीज देखने का मन ही नहीं करेगा। फिर आप इसकी प्रीक्वल जाकर देख लेना। राजगद्दी के लिए इस लेवल की पॉलिटिक्स, स्टोरी लाइन, इस लेवल की वॉर सीक्वेंस, वो भी गजब सिनेमेटोग्राफी के साथ, आज तक आपने ना देखा होगा। सीरीज में ऐसी कई वॉर मोमेंट है जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए रह जाने वाली, खासकर वो डेनेरियस की ड्रैगन के साथ वो एंट्री, हर एक की फट कर हाथ में आ जाती है भाई। वो नाइट किंग वाइट वॉकर की आर्मी के साथ वार सीक्वेंस भाई गजब का यार। ऐसी मास्टरपीस सीरीज को इग्नोर करना ये बोलकर कि भाई बहुत ही स्लो है तो ये आपकी पसंद की बेइज्जती है। थोड़ा सब रख कर तो देखिए और यकीन मानिए, जियो सिनेमा पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कमेंट में जरूर बताइएगा इनमें से आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।